भाई मतलब कह रहा जिन्हें जिन्हें इज्जत लूटती थी बच्चों की, अपहरण होते थे और बदमाश बिलों में डूबका हुआ है इस टाइम। अब योगी की सरकार है कर देगा, बाहर नहीं निकल रहा जो अंदर जा रहा। तेरने का ये मुसलमान, ये वे मुसलमान, बे भड़ुओ तुम ही गलत हो, मुसलमान सब सही है, गलत सिर्फ वे नेता है जो इधर की उधर करते हैं। थोड़ा पैसा ले लिया मैं बोल गया उसका, मैंने किसी से कुछ वो नहीं भैया, दिल से चाहता हूँ और दिल से इंशाल्लाह ताला वोट दूंगा इनको। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम? मोहम्मद सलमान कुरैशी भैया। कुरैशी जी कहाँ के हैं आप? देवन का रहने वाला भैया जी। योगी जी का भाषण सुनने आए? नहीं नहीं, योगी जी को दिल से चाहते हैं भैया, वोट भी देने आए हैं, भाषण नहीं खाली भैया। जिसका नमक खा रहे हैं भैया, जिसका नमक खा रहे हैं भैया, उसको हरामी नहीं करनी है भाई। राशन राशन जो बटा है मिल, मैं बताता हूँ, कोई कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता भैया मुझे राशन ना मिला हो, घर के पैसे ना मिले हो, घर ना बनाओ, टॉयलेट ना बनी हो, खाते ना खुले हो, ऐसा कोई नहीं है। जो होगा तो हमारे पास आओ, मैं बता दो भैया, योगी जी ने सबको दिया है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा हिंदू को ज्यादा दे दिया, मुसलमान को कम दे दिया, नहीं, सबको बराबर दिया है, इतना हिंदू को दिया है इतना ही मुसलमान को दिया है। ये टूचे लोग कहते हैं जो हमें नहीं मिला है, जिनके भरे हुए है ना पेट में, कहते हैं हमें नहीं मिला है भैया जी, नहीं सबको मिला है, हम कहते हैं सबको मिला है। कुरैशी जी आप मुस्लिम भी है और देवबंद के भी है, मैं आपसे एक बात जानना ये चाहूंगा कि ये जो ATS खुलने जा रहा है ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए खोला जाता है, तो क्या देवबंद में आतंकवादी गतिविधियों को पनाह मिलती? बेशक मिलती है भैया जी, जब भी तो ये फूक रहे हैं इसके खुनने से, अन्नी बताओ किसको परेशानी है, हमें तो परेशानी नहीं है खुनने तो, हमें क्या परेशानी है ये बताओ, मुसलमान को क्या परेशानी है इससे, हमें बताओ, कोई परेशानी नहीं है भैया। जो गलत है, जो बदमाश है, जो वैसा आदमी होगा ना, समझ गया ना, ऐसा वैसा उसका दो नंबर, उसके चुर्चा उठागा नहीं, बाकी किसी के नहीं हो रहा है। कोई मुसलमान नहीं कह सकता गलत है, हम कहते हैं इस बात को गलत नहीं, सही खुला है, अच्छी बात है। तो नमक खाया है इनका आप कह रहे हैं खुद ही, तो जी, उसे अदा कैसे करोगे फिर भैया? वोट दे के अदा होगा भैया, और कैसे अदा होगा, ये अपने दिल से लगा के अदा करेंगे। उनका खाया है तो ये भी उन्हीं को जाएगा और किसी को नहीं जाएगा, बेशक। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव हो या ओवैसी हो, वो कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तो सारा हमारा भैया, में तो दल्ले है ना, इधर के है ना उधर के, हम भी कहते हैं सारा देश हमारा है, हमारे कहने से हो जाएगा हमारा देश, बताओ, हम कहते हैं हमारा देश ये सारा हो जाएगा हमारे कहने से, बस। तो फिर भैया ऐसे ही कहते हैं, हमने कहा ये मुसलमान, ये वे मुसलमान, बे भड़ुओ तुम ही गलत हो, मुसलमान सब सही है, गलत सिर्फ वे नेता है जो इधर की उधर करते हैं। थोड़ा पैसा ले लिया मैं बोल गया उसका, मैंने किसी से कुछ वो नहीं भैया, दिल से चाहता हूँ और दिल से इंशाल्लाह ताला वोट दूंगा इनको। योगी जी को नमक खाया भैया, टॉयलेट घर की बनी है, हमारा घर बना है कच्चा था, बताओ, खाते में पैसे आ रहे हैं, राशन हमारे दो दो बार आ रहे हैं महीने में, किसके आया है बताओ, कौन सी सरकार ने दिया है? कांग्रेस ने कभी दिया है? कभी कांग्रेस ने दिया है? नहीं दिया है। अखिलेश ने दिया है? नहीं दिया है। बताओ किसने दिया है फिर? सिर्फ योगी जी ने दिया है, ये कह सकते हैं। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देवबंद के फतवे जारी होते थे, वो पूरे भारत में घूम जाते थे कि मुसलमान जो है अब औरत और मर्द एक साथ शादी में नहीं जा सकते। 5 साल में जब से योगी जी आए हैं कोई फतवा नहीं आया, तो ये योगी जी के आने के बाद फतवा क्यों नहीं आया? अरे भैया बता तो रहा हूँ, जो बीच के दल्ले होते हैं ना वे फतवे जारी करते हैं, बाकी सही आदमी कोई ऐसा वो नहीं करेगा फतवा जारी। कोई कहीं जाओ, ये हिंदुस्तान है, आजाद है भैया, कहीं भी कोई किसी के साथ, हम भी है मुसलमान है, मेरे दोस्त है हिंदू भाई, ये बताओ साथ नहीं, क्या फर्क है इनमें मेरे में, कोई भी मुसलमान गए मेरे दोस्त है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है फौजी, मुजफ्फरनगर से आया हूँ, ये मेरा दोस्त है मुसलमान गए, देवन का यहीं कहीं रहने वाला है, मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, साथ रहते हैं, साथ खाते पीते हैं, पर ये जो कह रहा है सही कह रहा है, ये तो चोर है, मुलायम सुलायम सपा पापा सब सब होली, अब किसी की नहीं है, अब तो योगी और मोदी है। तुम चुप चुप, अब आओ बदमाशी तो करो, अब आए ना बाप तुम्हारे, अब करो बदमाशी, बदमाशी तो करो, अब देखे कौन सा बदमाश है। कुरैशी जी बड़े बदमाश थे, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, एक युवक है सहारनपुर के, उन्होंने वो एहसान राव है, मतलब ये मुस्लिम राजपूत है, तो
उन्होंने जय श्री राम का नारा बोल दिया, तो कुछ यहाँ से देवबंद से उनके खिलाफ फतवा जारी हो रहा है। क्या किसी मुसलमान को आजादी नहीं है बोलने की? भैया आजादी तो देखो सबको है, अपनी अपनी बात दिल की कोई भी कह सकता है। देखो हम भी है, हमारा मजहब है, हम मानते हैं, तुम्हारा मजहब है, हम तुम्हें भी मानते हैं। ये नहीं है मजहब में हम किसी के वो करेंगे, नहीं, वो अपने दिल से है। जैसे हम अपने दिल से कह रहे हैं, हम योगी जी के साथ है, कोई सब मुसलमान भी देखो खिलाफ भी फतवा कर दिया तो भैया मेरे खिलाफ फतवा करेगा तो बाप बैठा है ऊपर, ये भी ध्यान रखना है। योगी साहब बाप कौन है उनका? उनका बाप तो आप भी समझ गए होंगे, जिसने अच्छे अच्छे को भट में बिल में बंद कर दिया। भैया जो बड़े बड़े बदमाश भट, अरे यार फिर कहते हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैया हमारी लाठी हमारी भैंस है इंशाल्लाह। हमारा तो वो है जो हमारी तरफ को देख रहा जी। आज तक ये बताओ आप कितनी सरकार आई और कितनी जाली जी। किसी ने आज तक राशन फ्री दिया का इसका रिकॉर्ड दिखा दो मुझे आप। और दूसरी बात यह है कि छत के नीचे बैठे हम, आज मकान मिले, किसी सरकार ने आज तक छत के नीचे नहीं बिठाए हमें, हैं जी। गैस सिलेंडर हमारी घरवाली पार्टी में झोंका करेगी, किसी का साल फूक रहा, किसी के कपड़े फूक रहे हैं, अब सिलेंडर में तो भगा रही, कम से कम सुकून तो है। तो भाई हमारा तो वो है जो हमें दे रहा, हम ना किसी वैसी के ना किसी उसके ना हम किसी के नहीं है, हमें तो जो हमारे घर में दे रहा राशन। और माशाल्लाह से इतना राशन मिला एक एक महीने में दो दो बार, चावल की खिचड़ी खाई नहीं जा रही, ये चाहिए थी हमें मजदूर आदमी जी। चाहे बात कांग्रेस की हो, ओवैसी की हो, अखिलेश की हो, या मुसलमानों के जो मौलाना है बड़े बड़े, चाहे उनकी हो, वो कहते हैं कि मुसलमान के हितों की सरकार नहीं है भाजपा। अच्छा, इसे आप कैसे इससे बचाव करोगे? भाई चुखान नहीं मिल रहा लोगों को, मैं साफ बोला चुखार मतलब वो चुखार नहीं मिल रहा। हाँ जलाली वो चुखार खाने पीने का चुखार वो नहीं, वो बंद है। और भाई दूसरी बात है कि ढी बेटिया साफ है बिल्कुल, और ढी बेटियों की तरफ को टकने वाला पहले सोच लो कि पहले सोच ले वो कल भाई योगी की सरकार है गाने वाला ठीक कर देगा। अच्छा मुझे ये बताइए आपकी उम्र बहुत है, कई सरकारें देखी होंगी जी, योगी की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में क्या फर्क देखते हैं? नहीं देखो अखिलेश को भी हम बुरा नहीं कहते, देखो बुरा नहीं हम किसी की करते, ठीक है जी। हाँ सुरक्षा का मैं आ जाऊँ तो सुरक्षा करेगा वो भी इंशाल्लाह। और वैसे हम तो दुआ ये कर रहे हैं कि भाई योगी की सरकार आ जा भाई। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता बन रहे हैं आजकल, बड़ी मुसलमानों की हमदर्दी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 70 साल से मुसलमान दबा है, अखिलेश यादव ने वोट लिया है, मुख्यमंत्री यादव बन गया, इस बार मुसलमान मुझे वोट दो और मुसलमान अपना उप मुख्यमंत्री बना दे। भाई देखो अपने उसको तो सारे फिर हैं, सबको वोट की जगह कुर्सी की सबको जरूरत है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसे कुर्सी की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, हर आदमी को कुर्सी चाह रही है। लेकिन इतना बढ़िया काम जितने योगी सरकार ने मोदी जी ने काम किया है कोई नहीं कर सकता, बस समझो ये कहेंगे। अच्छा आप दाढ़ी में भी घूम रहे हैं, टोपी में भी घूम रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आज मुसलमान ना दाढ़ी रख सकता ना टोपी लगा सकता। नहीं क्यों लगा सकते, हम तो यही घूम रहे हैं, आपसे हम तो किसी ने भी नहीं टोपी लगा रखी। तो फिर ये ऐसे ऐसे ये जो नेता लोग हैं ऐसे ऐसे भाषण देकर क्या दिखाना चाहते हैं ये? अजीब देखो ये तो टाइम है सारे भाषणबाजी करे, एक बुराई करेगा एक बुराई करेगा, लेकिन सरकार इतनी बढ़िया निकली जिंदगी में याद रखियो, जैसी योगी की सरकार। हाँ जैसी योगी की सरकार है। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, देवबंद के लोग हैं, देवबंद के ही आप हैं, देवबंद से पहले मुसलमानों के लिए बहुत सारे फतवे आते थे कि मुसलमान भी औरत मर्दों के साथ बारात में नहीं जा सकती, वो ब्याज वो बैंक में नौकरी करने वाले के साथ वो शादी नहीं कर सकती, ब्याज का पैसा आता है इसलिए, तो फतवे पहले आते थे, योगी सरकार में फतवे आने बंद क्यों हो गए? अजी यही तो चलो थोड़ी सारी बात की है जो बात है, और बात क्या है, बात यही है और कुछ नहीं है। बड़े बड़े मौलानाओं के पेट में किसी पर रुकावट किसी को नहीं है, कोई कहीं जाओ कहीं आओ, अब हमारी धी बेटी जब बिल्कुल खुले घूम रही, कोई दिक्कत नहीं। आप धी बेटियों का दो बार नाम ले चुके, पहले धी बेटियों के साथ क्या होता था? अभी यही तो पता नहीं है क्या होता था, आपको भी सबको पता क्या होता था, हम दिल्ली से आए हमें। हाँ जी क्या होता था भाई, मतलब कहना जिन्हें जिन्हें इज्जत लुटती थी बच्चों की, अपहरण होते थे, और बदमाश बिलों में डुबका हुआ है इस टाइम, अब योगी की सरकार है गाने में लाठी कर देगा, बाहर नहीं निकल रहा जो अंदर जा रहा, जो अंदर जा रहा वो बाहर नहीं हो रहा,
इतना खतरा है योगी जी। कई लोग कहते हैं कि आज मुसलमान किसी भी चौराहे पे जाएगा उसमें मुकदमा लग जाएगा, आपके आप पे या आपके पड़ोसी पे कोई मुकदमा खामखा या कोई जेल में मुसलमान खामखा डाला? मेरी गाड़ी पर नंबर नहीं है, एक साल से चला रहा, सारे में घूम रहा दिल्ली तक, अब तक कहीं नहीं रुकी, कहीं नहीं रुकी, नंबर भी अब तक नहीं है, कागज भी नहीं दिया अब तक, बगैर कागजों के घूम रही थी। तो मुसलमान डरा हुआ है या बदमाश डरा हुआ है? अजी नहीं, बदमाश तो है नहीं, बदमाश है कहाँ, बदमाश तो है नहीं, बदमाश तो बिजमा डुबका हुआ, बदमाश तो बाहर, जो अंदर जा रहा वो बाहर आ नहीं रहा, तो बदमाशी तो खत्म हो गई पहले। अच्छा, आप वो आपकी उम्र बहुत है, एक बात और बताइए, तीन तलाक पे क्या सोचते हैं आप? जो तीन तलाक है उसमें जो रोक लगाई है मोदी सरकार ने, वो कैसा है? कुछ लोग कहते हैं कि ये शरिया का मामला था, छेड़ना नहीं चाहिए था। आपकी उम्र बहुत है, आप बताइए, आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहते हैं? भाई ये मामला बिल्कुल ठीक का ठीक है, सही का सही करा जो मोदी जी ने करा। हाँ, बिल्कुल सही का सही फैसला करा बिल्कुल। इससे क्या लाभ है? बस इससे लाभ तो यह है, एक तो तलाक देता हुआ मतलब चुत्तर फटेगा, अलग मतलब कहना भाई ये काम करो। अच्छा जी, सजा है और उम्र की बात है, ज्यादा अस्सी बच्चों की साथ में सर्दी करते थे, ज्यादा अस्सी बच्चों की साथ में, अब पूरे टाइम पर करेगा। हाँ, वो 21 साल की उम्र, 21 साल की उम्र कर दी, बहुत बढ़िया करा। हाँ। नाम बताइए सर आपका? नाम नफीस अहमद। नफीस अहमद जी, तो जो 5 साल बीतने जा रहे हैं सरकार के, वो कैसे लगे? अच्छे लगे, अच्छे लगे, कोई परेशानी नहीं, सुख शांति से, सुख शांति से बिल्कुल। इस वक्त हम देवबंद में मौजूद हैं, तो देवबंद में जो ये एटीएस सेंटर का जो शिलान्यास किया जा रहा है, इसे किस तरीके से देखते हैं? अच्छा देख रहे हैं जी, बहुत अच्छा देख रहे हैं जी। क्या इसकी आवश्यकता थी? जी थी जी। क्यों आवश्यकता थी इसकी? नहीं अच्छा, हाँ मतलब ये देश के लिए, देश के लिए जो भी अच्छा कदम उठ रहा, अच्छा कदम उठ रहा बहुत। तो क्या चाहते हैं, 2022 में चुनाव हुए, किसकी सरकार आनी चाहिए दोबारा? नहीं, सरकार तो अच्छी है, चल रही सरकार में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बाहर वैसे आदमी है ना, जो वैसे फितना परस्त आदमी, उन्हें तो अच्छा लगता नहीं, लेकिन जो इंसानियत का मामला तक आ जाओ, वो हो गया अच्छा ही, इंसान भाईचारे से रहना चाहिए सबको। अच्छा, बीजेपी पार्टी पे या योगी आदित्यनाथ पे ये इल्जाम लगता है कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करते, कुछ ऐसा नहीं? जो महंगाई से गूंज रहे वो हिंदू भी झूल रहे, हम भी झूल रहे, तेल इन्हें भी फूक रहे, हम भी फूक रहे, देसी तेल हम ये भी खा रहे, हम भी खा रहे, तो बराबर गन्ना इनका बिक रहा, हमारा भी बिक रहा, पेमेंट इनका भी मिल रहा, हमें भी मिल रहा, तो बराबर चल रहा मामला, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, देवबंद से पहले बहुत सारे फतवे जारी कर दिए जाते थे, इन 5 सालों में कोई फतवा ऐसा नहीं आया, तो इसकी क्या वजह रही? नहीं, मामला ठीक है, वजह यह है, मामला ठीक है, आपको ठीक लगा जी? तो 2022 में किसकी सरकार को देखते हैं, आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है? सरकार तो यही अच्छी चल रही, भाजपा की जी, भाजपा की सरकार अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, एक मुस्लिम नेता है, उनके साथ पिछली बार भी उन्हें यहाँ से 1 से 1.5 लाख वोट मिले थे, तो उनके साथ ना जाने का क्या? वो कुछ नहीं है मामला हमारे लिए, कुछ नहीं। वो बताते जाता है कि वो एजेंट है, मतलब इस तरीके से बोलता है वो, मतलब यो बेधड़क बोलता है, क्या पता क्या मामला उसके सामने, वो ऐसा क्यों, मतलब यो आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? रियासत जी। तो कैसा लगा जो सरकार ने काम किया 5 साल? बढ़िया करा जी, बहुत बढ़िया करा। क्या क्या बढ़िया किया सर? बढ़िया यो किया जी, सबसे पहली बात तो हम खुले ही घूम रहे जी, बदमाशी हटी, दूसरे नंबर वो जितने आदमी है किसी भी बिरादरी के जी, सब लोगों के इधर जो भी कुछ जा रहा वो सबको बराबर जा रहा जी, वे एक नजर से देख रहे जी, लड़ाई दंगा हाँ, नहीं, लड़ाई दंगा नहीं है कहीं हाँ, तो इसलिए आपको सरकार अच्छी लगती है? हमें ये सब बढ़िया लगी जी हाँ। जो आज ये एटीएस खोल, जो आज ये एटीएस का शिलान्यास किया जा रहा है, क्या इसकी यहाँ वाकई में आवश्यकता थी? हमें खुद को जरूरत थी, जरूरत ये थी, हमें बढ़िया लग रहा ना, इसलिए जरूरत थी। तो अभी आपकी सुरक्षा करेगा? देख अभी तक तो करिए, आगे देखते हैं क्या करेगा हाँ। अभी तक तुम्हारी सुरक्षा करिए, आगे देखते हैं क्या करेगा हाँ। अगर देवबंद की बात करें तो देवबंद के मतलब दिल्ली दंगे में भी कोई देवबंद का कोई यहाँ से वो मिला था, तो देवबंद में इसलिए भी एटीएस जरूरी होता है? नहीं, उसके बारे में नहीं हम बता सकते हाँ। दिल्ली के दंगे में हम उसे बता नहीं सकते। अच्छा, यहाँ 2013 में AK-47 छीन ली थी पुलिस वालों से देवबंद? नहीं, उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं, उसके बारे में भी जानकारी नहीं। तो 2022 में कौन सी सरकार आप खुद के लिए अच्छा मानते हैं? भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार अच्छी है, योगी जी की सरकार अच्छी है।
कोई भेदभाव सरकार में लगा 5 साल के अंदर? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नेता है, वो कहते हैं कि 70 सालों से मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला, उनका हम हक दिलाने के लिए आ रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी पसंद क्यों नहीं आप? नहीं, जब ये हिंदुस्तान में पहले से रहते हुए आ रहे हैं तो हक अगर वो पहले दिलाना चाहते तो पहले दिलाते, अब इन्हें क्यों बंटवारा करने को जा रहे हैं? तो किस तरीके से योगी और अखिलेश की सरकार में हम फर्क पूछे तो क्या फर्क है अखिलेश और योगी की सरकार में? भाई हमारे लिए तो यो बढ़िया, जब अखिलेश की सरकार आ जा, पब्लिक सड़कों पर नहीं घूम सकती, कुछ नहीं कर सकती। अगर हम पानी पर भी जा रहे तो 4 आदमी जाएंगे, आप मोटरसाइकिलों पर पानी पर जा रहे, अब 4 का पता नहीं कहाँ जाना आ जा। फोन पर संपर्क करते हैं भाई तू ठीक ठाक भी नहीं, अब हम खुले तो घूम रहे कम से कम। जो एटीएस सेंटर खोला जा रहा है इसकी आवश्यकता थी? हाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, यहाँ से क्षेत्र ऐसा ही है इसलिए थी। मतलब कैसा क्षेत्र है? ठीक है वैसे तो, अगर बदमाशी का ज्यादा क्षेत्र था इसलिए है यहाँ जरूरत। क्या फर्क देखते हैं अखिलेश और योगी की सरकार? भाई हमारे ट्यूबवेल का किवाड़ खुले पड़े, अब और हम किसी टाइम जाएगा नाका फेर जाएंगे, नहीं तो जैसे इन्होंने बताया 4-4 जाते, 4 की भी उम्मीद नहीं थी, घर आ जाएंगे, पेमिट करा के लेके जाते, पता नहीं घर पहुंच जाएंगे कि नहीं, बच्चों की फीस जमा करनी थी और रस्ते में घुस जाता। फोन ही पर लग रहा उसके जो पूछने के लिए, भाई ठीक ठाक आ रहा नहीं आ रहा, तो एक आदमी तो इसीलिए तो बैठा घर पर, अब कम से कम वो कारोबार तो कर रहा अपना दूसरा।